आपको कुछ चाहिए? प्यास लग गई थी तो पानी मिलेगा क्या? अच्छा ये लो। आपको कुछ और भी चाहिए? वो साहब सुबह से कुछ खाया नहीं तो वो। हाँ ये लो खा लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अरे सुनो, अरे सुनो, अरे सुनो, अरे सुनो, अरे सुनो, अरे सुनो, अरे बहन सुनो, अरे सुनो, आपके लिए कितना कुछ खाने के लिए लाई हूँ। अरे सुमन, तेरे पास इतना खाना कहाँ से आया? अरे भैया वो ना मुझे रास्ते में बहुत ही अच्छे इंसान मिले थे, उन्होंने मुझे ये सब दिया। लो भैया आप जल्दी से खा लो, आपने दो दिन से कुछ नहीं खाया है। नहीं बहन ये तू खा ले, तूने भी तो दो दिन से कुछ नहीं खाया। नहीं नहीं भैया मैं रास्ते से बहुत कुछ खा के आ रही हूँ, आपको ज्यादा जरूरत है और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, आप खाओ मुंह खोलो। बहन मैं ना कभी कभी अपने आप को बहुत लाचार महसूस करता हूँ कि मैं तुझे पढ़ा लिखा नहीं सका, अगर मेरे पाँव में लकवा नहीं मारता और मेरे को अस्थमा की बीमारी नहीं होती ना तो मेरा सपना था कि एक दिन मैं तुझे बहुत बड़ा अफसर बनाऊँ। भैया आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, आपने मेरे लिए कम किया है क्या? आप परेशान मत हो, आपको आराम की जरूरत है, ज्यादा बातें मत करो। सुनो बहन। भैया आप आराम करो, इसको खाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। जी भाई साहब। अरे वो बहन आपकी थैली मेरे पास रह गई थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं, आपने मेरी मदद करी और मैंने आपकी कर दी। चलो मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। इतने सारे पैसे? बहन तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? भैया मुझे लगता है ये पैसे जरूर उन्होंने दिए हैं। बदले में दिए हैं, भगवान उनका भला करे। तूने वाली कहावत सुनी है कि जो दूसरों का भला करते हैं भगवान उनका जरूर ध्यान करते हैं। जी भैया अब हमारे पास इतने पैसे आ गए कि मैं आपका अच्छे अस्पताल में इलाज करा सकती हूँ और आप ठीक भी हो जाओगे भैया। हाँ भैया।